वैश्विक महामारी का रूप धारण कर चुके कोरोना वायरस ने यूरोप में हाहाकार मचा दिया है। यहाँ इस वायरस ने न सिर्फ लोगों की बड़े पैमाने पर मौत हो रही है बल्कि अर्थव्यवस्था भी तबाही के कगार पर पहुंच गया है। कोरोना संक्रमण से यूरोप में मरने वाले लोगों की संख्या 1 लाख से ज्यादा हो गई है, जो पूरी दुनिया में कुल मौतों की संख्या का करीब 2/3 हिस्सा है। यूरोप की तरह दुनिया के काफी देशों में इस वक्त कोरोना वायरस से बचाव के लिए लॉकडाउन किया गया है। कई जगहों से लॉकडाउन तोड़ने की खबरें भी आई। वहीं अमेरिका के कुछ शहरों में लोगों ने सड़क पर उतरकर लॉकडाउन का विरोध भी किया है। लेकिन नाइजीरिया में लॉकडाउन को लेकर 18 लोगों की जान चली गई है। मीडिया में आई खबरों के मुताबिक लॉकडाउन के नियमों का पालन कराने को लेकर नाइजीरिया की पुलिस और दूसरे सुरक्षा बलों ने 18 लोगों की हत्या कर दी है, जबकि घटना के वक्त तक कोरोना वायरस से नाइजीरिया में सिर्फ 12 लोगों की मौत हुई थी। आपको बता दें कि लोगों की हत्या का ये खुलासा तब हुआ जब आम लोगों ने नेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन को घटना से जुड़े वीडियो भेजे। कमीशन का कहना है कि 30 मार्च को लॉकडाउन किए जाने से अब तक 18 लोगों को सुरक्षा बलों ने मार दिया है। नाइजीरिया में अब तक कोरोना संक्रमण के 493 मामले सामने आए हैं, लेकिन देश में ये डर बना हुआ है कि वायरस का संक्रमण वहाँ तेजी से फैल सकता है। नाइजीरिया की आबादी करीब 20 करोड़ है। नाइजीरिया की पुलिस और दूसरे सुरक्षा बलों की छवि क्रूर एजेंसी की रही है। काउंसिल ऑफ फॉरेन रिलेशंस के मुताबिक बीते एक साल में देश की एजेंसियों ने करीब 1476 लोगों की हत्या कर दी। ह्यूमन राइट्स कमीशन ने अपनी रिपोर्ट में कहा है कि उन्हें पता चला है कि लॉकडाउन के दौरान 8 अलग अलग घटनाओं में 18 लोगों की हत्या कर दी गई है। कमीशन का कहना है कि नाइजीरिया के 36 में से 24 राज्यों से उनके पास 100 से ज्यादा शिकायतें पहुंची। वहीं नाइजीरिया के सुरक्षा बलों ने ह्यूमन राइट्स कमीशन के रिपोर्ट पर प्रतिक्रिया नहीं दी है। कोरोना वायरस ने पूरी दुनिया में जान के साथ साथ माल पर भी हमला किया है। इस वायरस ने पूरी दुनिया की कमर तोड़ दी है। अगर जल्द ही इस जानलेवा वायरस का इलाज नहीं मिला तो ये हालात और बदतर हो सकते हैं।